उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दर्दनाक बस हादसे के बाद यूपी के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बड़ी कार्रवाई की है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने सख्त एक्शन लेते हुए कार में लापरवाही बरतने पर बिजली विभाग के 3 अफसरों को निलंबित कर दिया है। बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता मनीष, SDO संतोष चौधरी और JE प्रदीप राय को निलंबित किया गया है। मामले में संविदा कर्मी लाइनमैन नरेंद्र को बर्खास्त कर दिया गया है। बता दें कि यात्रियों से भरी बस में आग लग गई थी। बस पर बिजली के हाई टेंशन तार गिरने से बस में आग लगी हुई थी। हादसे में बस में सवार 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि हादसे में 10 लोग झुलस गए। घायलों में 5 की हालत गंभीर है। घायलों का गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। मरदहा थाना क्षेत्र के महाहर धाम के पास ये घटना हुई है। मंत्री AK शर्मा गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती घायलों से मिलने पहुंचे और पीड़ितों का हालचाल भी लिया। उन्होंने पीड़ितों के परिजनों को सांत्वना भी दी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा भी की है। हमें एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें बिजली का तार एक बस को स्पर्श करने की वजह से बस के यात्रियों को नुकसान हुआ, बस को नुकसान हुआ। मैं घटनास्थल पे भी जाके आया हूँ। बस बुरी तरह से जली हुई है और 5 लोगों की मृत्यु हुई है। यहाँ 5 लोग गाजीपुर में एडमिट हैं और 4 या 5 लोग मऊ में भी एडमिट हैं। बहुत ही दुखद घटना है, मुझे इस बात का बड़ा दुख है। बिजली विभाग के लोगों की सतर्कता इस दृष्टि से बढ़नी चाहिए, इसका मैं स्वयं मैं आभास कर रहा हूँ। और उन्होंने जो लापरवाही की है उसके मद्देनज़र कई लोगों पर कार्रवाई भी की गई है, 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है। गाजीपुर से जनमत न्यूज़ के लिए हसीन अंसारी की रिपोर्ट।